मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेज अड़का। मेरा नाम अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे घर के लाइटिंग सिस्टम के बारे में, किस तरीके का लाइटिंग सिस्टम मैंने अपने घर पे किया हुआ है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे घर के लाइटिंग सिस्टम के बारे में कि किस तरीके की लाइटिंग मैंने की है अपने घर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो टीवी सेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की जो लाइटिंग है वो मैंने की है, मतलब कि जो भी शोपीस है उसके ऊपर, ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने लाइटिंग की है ताकि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इससे अंधेरे में भी अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ऊपर की तरफ है झूमर और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में और यहाँ पे और वहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लाइटिंग की सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे हॉल में जो है ट्यूबलाइट का इस्तेमाल नहीं किया है, ये सिर्फ मैंने ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लाइट, इसी से मेरे पूरे घर में लाइट आ रही है और ये इनफ लाइट है पूरे घर को ब्राइट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, इससे लाइट बिल भी बहुत कम आता है, मिनिमम आता है। और ये रहा मेरा किचन, तो किचन में आप देख सकते हो मैंने ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूबलाइट लगाया है। ये ट्यूबलाइट है एलईडी ट्यूबलाइट है जिससे कि लाइट बिल कम आता है और ये अच्छा, मतलब ब्राइटनेस में भी काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ही मैंने एक डिम लाइट लगाई है जो कि दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और मंदिर में मैंने ऊपर एक यहाँ पे भी वाइट लाइट लगाई है ताकि दिखने में ब्राइट लगे एकदम। तो जैसे आप अंदर आओगे ये रहा मेरा पैसेज, तो पैसेज में यहाँ पे देखिए ये लाइट, इस तरीके का जो लाइट है काफ़ी डिसेंट सा लुक देता है, तो इस तरीके का लाइट मैंने लगाया है। तो बेसिन के ऊपर इस तरीके का लाइट और वहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हो एक ट्यूबलाइट है, ये भी एलईडी वाला ट्यूबलाइट है जिससे कि काफ़ी ब्राइटनेस आती है और लाइट बिल भी आपको कम आएगा इससे। वॉशरूम में भी मैंने छोटा सा इस तरीके का बल्ब लगाया है, देखिए इससे ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी आती है। तो ये रहा मेरा एक बेडरूम जहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एक छोटा सा लैम्प है जो कि आप अगर आप मेन लाइट अगर ऑफ़ करोगे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। देखिए आपको लाइट ऑफ करके बता रही हूँ मैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। यहाँ पे लाइट ऑन कर दिया मैंने और ये रही एलईडी लाइट। मैंने सभी जो रूम में है एलईडी लाइट ही प्रेफर की है क्योंकि इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जो सबसे ज़्यादा ब्राइट वाली लाइट होती है वही मैं प्रेफर करती हूँ। तो देखिए पूरे घर में कितना अच्छा उजाला आ रहा है इसका। तो जैसे ही आप बेडरूम से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा अंदर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट आपको दिख रही है, देखिए आप देख सकते हैं फ्लावर टाइप का डिज़ाइन है इसमें, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो एक और जो वॉशरूम है उसमें भी मैंने सेम इसी तरीके का बल्ब लगाया है, आप देख सकते हैं वाइट कलर का है वो भी। और दूसरा वाला जो बेडरूम है उसमें भी मैंने सेम इसी तरीके का एलईडी लाइट लगाया है जो कि एकदम हाई पावर का है, मतलब अच्छी ब्राइट लाइट देता है, जो सबसे मैक्सिमम वाला जो ब्राइट लाइट देता है वो ही मैं प्रेफर करती हूँ अपने घर के लिए। यहाँ पे भी एक डिम लाइट है आप देख सकते हैं। तो ये रही मेरे घर की पूरी लाइटिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया, हर एक रूम बताया मैंने और जो जो लाइटिंग लगाई है सब बताई मैंने आपको। सारी की सारी जो है वो एलईडी लाइटिंग है। उसका क्या फ़ायदा होता है, आपको एकदम ब्राइट लाइट मिलेगी और लाइट बिल जो होता है उसका कम आता है। तो मुंबई जैसे सिटी में तो लाइट बिल बहुत आता है, इसलिए हमें खास करके ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ये ध्यान में रखा है कि जहाँ पे एकदम ब्राइट लाइट हो, क्योंकि मुझे ब्राइट लाइट में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, डिम लाइट्स मुझे कम पसंद है। और घर में एकदम ब्राइट उजाला रहना चाहिए, वैसा तरीके का मुझे लाइटिंग अच्छा लगता है। तो मैंने वो ध्यान में रखते हुए अपने घर को इस तरीके से लाइटिंग से सजाया है। तो आप भी इस तरीके का लाइटिंग सिस्टम अपने घर में यूज़ कर सकते हो अपने घर को डिसेंट रखने के लिए और दिखने में भी ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपको कभी ब्राइट लाइट नहीं चाहिए, डिम लाइट चाहिए, तो डिम लाइट में भी आप रह सकते हो। अगर आपको भी इस तरीके का लाइटिंग पसंद आया है तो आप अपने घर पे इस तरीके का लाइटिंग करवा सकते हो। कभी कभार हमारा मूड कर जाता है कि हम डिम लाइट में बैठे, तो वो भी आप डिम लाइट को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ब्राइट लाइट चाहिए पढ़ाई करना या बच्चों को, तो ब्राइट लाइट में लाइट भी आप यूज़ कर सकते हो।
तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।